जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मजे में होंगे, और यदि कोई तकलीफ भी है तो वो इन उपायों को करने से जाती रहेगी। दोस्तों, जो लोग मेरी चैनल को रेगुलर व्यू कर रहे हैं, मेरे वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं, उन्हें मालूम होगा कि जो मन का कारक ग्रह है वो चंद्रमा है। चंद्रमा ही ऐसा ग्रह है जो मन पर राज करता है। आपने देखा होगा या आप गौर करना इस चीज को कि पूनम और अमावस्या के दिन जिसकी कुंडली में चंद्र नीच के हैं या उच्च के पड़े हैं, उनको ये दो दिन उनके मन के विचार में काफी उथल पाथल हो जाती है। तो यदि मन को साधना है तो चंद्रमा को आपको प्रसन्न करना पड़ेगा। यदि मन को आपने साध लिया, मन पे राज कर लिया जिस किसी भी व्यक्ति ने, तो वो संसार पे राज करने की ताकत रखता है। पैसा तो बहुत छुल्लक चीज है उसके सामने, बहुत छोटी चीज है उसके सामने। पैसे कमाना तो वो सारे संसार को जीतने की ताकत रखता है जिसने मन को जीत लिया। तो आज मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूं वो चंद्रमा पर ही आधारित है। यदि इस चीज को आपने बोल दिया, इसको यदि इस उपाय को आपने कर लिया, और यदि आप इस उपाय को पैसे पर आजमाते हैं, तो यकीन मानिए कि आपके पास पैसों की ढेर लग जाएगी। इतना पैसा आएगा कि आप उसको समेट नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, यह बात भी सत्य है कि पड़े पड़े कुछ नहीं होगा। ये सारी चीजें कब असर करती हैं? जब आप कोई काम कर रहे हैं, कोई मेहनत का काम कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए आप अपना 100% दे रहे हैं, और यदि उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है तब ये चीजें काम करती हैं। या आपको सफलता मिल रही है, जितना आप काम कर रहे हैं उतनी सफलता आपको मिल रही है, और इस उपाय को आप करते हैं तो वह सफलता अनेक गुना बढ़ जाएगी। मतलब यदि कोई समस्या आ रही है तो समस्या हट जाएगी, काम बन जाएगा, काम बन रहे हैं, नियमित रूप से इनकम हो रही है, उपाय करते हैं, इनकम अनेक गुना बढ़ जाएगी। आपका जो परिश्रम है उससे आपको अनेक गुना फायदा इसमें मिलेगा। आपके और आपके इनकम के बीच में जितने भी रोड़े आ रहे थे, अवरोध आ रहे थे, हर्डल्स आ रहे थे, रुकावटें आ रही थी, परेशानियां आ रही थी, वो सारी इन उपायों को करने से जाती रहेगी। आपको करना क्या है? सोमवार के दिन आपको इस उपाय को करना है। आप इसको लगातार 10 दिनों तक भी कर सकते हैं या सिर्फ सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। आप पर निर्भर है कि आपके पास में कितना समय है। चाहें तो आप इस उपाय को सिर्फ सोमवार के दिन ही कर लें, और चाहें तो इसके पार्ट करके आप इसको लगातार 10 दिनों तक भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है? मैं जो आपको मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र की आपको 108 गुर्रियों की जो माला होती है वह 10 माला आपको करनी है, और एक माला का आपको हवन करना है। आप इसे क्या कर सकते हैं, भोजपत्र का एक छोटा सा टुकड़ा ले लें, या तो एक सफेद कागज ले लें आप, और उसमें कुमकुम से इस मंत्र को लिख लें, और इसके बाद में जैसे मैंने बताया आप इसको 10 माला इसकी कर लें, रोज एक एक माला कर लें, या सोमवार के दिन इसकी 10 मालाएं कर लें। थोड़ा समय लगेगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन यदि आपको जिस मात्रा में धन कमाना है उसके अनुसार यह समय कुछ भी नहीं है। यदि आप इतना नहीं कर सकते तो आप यह भूल जाइए कि आपको कभी भी पैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि यदि आपके अंदर परिश्रम करने की, समय देने की क्षमता ही नहीं है, जब आप इतना समय नहीं दे पाते तो आप काम के लिए भी समय नहीं दे पाएंगे। तो आपको 10 माला करनी है, प्रतिदिन एक कर लें, या सिर्फ सोमवार के दिन इसकी 10 माला कर लें, पूर्णिमा के दिन 10 माला कर लें इसकी, और यदि अभी आप करना चाहें तो पूनम आ रही है, चंद्र ग्रहण है, उस दिन भी कर लेंगे, तो
तो आपको बहुत ही इसका अच्छा फायदा मिलेगा। आपको क्या करना है, इस मंत्र को आप कागज में लिख लीजिए कुमकुम से, या तो आप इसको भोजपत्र पर लिख लीजिए कुमकुम से, और इसको अपने सामने आप रख लीजिए। और फिर आपको मैं जो मंत्र बता रहा हूं उस मंत्र की आपको 10 माला करनी है और एक माला का आपको हवन करना है। मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमशे नमः। यह मंत्र मैं स्क्रीन पर भी देने का प्रयत्न करूंगा कि आप लोगों को यह अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप इसको कर लीजिए 10 माला 108 गुरियों की, एक माला का हवन कर लीजिए। अब आपने जो कागज या भोजपत्र पे लिखा है वह जो चीज है वो अभिमंत्रित हो गई है, वो उसमें मंत्र की शक्ति आ गई है। अब आप उसको अपने पर्स में रख लीजिए। आपके पास में जो कोई भी पैसों से संबंधित जितने भी कार्य हैं, आप देखेंगे दूसरे ही दिन से, जिस दिन आप ये करेंगे उस ही दिन से लगभग आपके सारे काम बहुत ही अच्छे ढंग से निकलने लग जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपके जानने पहचानने वालों में चित परिचित में कोई व्यक्ति हो जो इस तरह का उपाय खोजता हो या पैसों से परेशान हो, तो उसे ये उपाय जरूर बताइएगा। उस बेचारे का काम निकल जाएगा, आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।